For more videos, like, share and subscribe my channel Prototype Trailer and press the bell icon. आज हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड की। तो चलिए शुरू करते हैं। सी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसमें बैटरी है और ये एक स्विच दिया गया है और ये सोलेनोइड, और करंट का फ्लो यहाँ से इस ओर है। तो सबसे पहले हम इसमें करंट निकालते हैं। तो मान लेते हैं हम इसमें इसमें जो रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू 6 ओम का है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं हम बैटरी जो यूज़ कर रहे हैं वो 12 वोल्ट की है। तो हम अब इसमें करंट फाउंड करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन है ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ओम्स लॉ वैसे होता है इसके लिए वी इज इक्वल टू आई आर। इससे हम करंट निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वोल्ट हमारे को पता है 12, रेजिस्टेंस 6, तो इसमें करंट आ जाएगा 2 A.A., क्योंकि करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ का करंट निकाल सकते हैं जब हमारे पास उसका वी और आर दिया हो, या फिर आर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वोल्ट और करंट दिया गया हो। तो अब हम पता करेंगे कि जब स्विच ऑफ था तो करंट 0 था, तो जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो जो टाइमिंग इसमें ली गई करंट की वापस यहाँ तक आने में तो कितनी ली गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे ही हमने ऑन किया और वैसे ही 2 एम्पियर करंट जो है वापस यहाँ तक आ गया हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो में कुछ टाइम तो लगता ही है। वो मान लो एक सेकेंड हो सकता है, या फिर हम लेते हैं उसको 1 मिली सेकेंड, माइक्रो। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, मान लो हमने स्विच ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे करंट फ्लो हुआ तो जो है कॉइल जो है उसमें फ्लक्स पैदा हो गया, वो भी करंट की अपोज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है इस ओर से और फ्लक्स जो है इसकी अपोज डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, यानी कि जो फ्लक्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करेंगे, फ्लक्स जो है उतना ज़्यादा पैदा होगा सोलेनोइड पर, यानी कि करंट को अपोज करेगा, यानी कि पूरा आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कि जैसे कि हम दो एम्पियर का करंट इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है पूरा जितना ज़्यादा करंट हम इस पर अप्लाई करेंगे फ्लक्स भी उतना ज़्यादा पैदा होगा, और उस फ्लक्स की वजह से वो कुछ रुकावट रेजिस्ट पैदा करेगा उस करंट के आगे जाने में, यानी कि वो पूरा पूरा करंट नहीं पहुँच पाएगा यहाँ तक। तो जब हम लेते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एल, यहाँ पे होगा सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल आई। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में पैदा हो रही है, तो इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम बी मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगी, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एन एन आई। तो म्यू नॉट आ गया, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि कोई सिस्टम है जो हम स्पेस और एयर में कंसीडर कर रहे हैं,
तो ये चलिए, और एन जो आ गया है वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ आइसो आइसो सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड। मान लीजिए ये जो है सोलेनॉइड, इसमें जितनी नंबर ऑफ टर्न है, इसकी मान लेते हैं एन, नंबर ऑफ टर्न को हम एन से डिनोट करेंगे इसमें एन, और जो सोलेनॉइड की लेंथ है उसको हम एल ले लेते हैं एल। तो जो है आई, आई जो होगा वो एक करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इन सोलेनॉइड। आई जो है करंट फ्लो इन सोलेनॉइड, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब हम निकालेंगे एसोसिएटेड फ्लक्स विद एवरी टर्न ऑफ सोलेनॉइड। तो हम निकाल देते हैं, तो हम ये फ्लक्स लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, बी बी ए, ए जो है इसकी जो वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हम आपको बताते हैं, ए हम इसे लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक नंबर ऑफ टर्न का, ठीक है। और बी जो हम ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस सोलेनोइड के द्वारा पैदा की जा रही है, और तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। तो यानी कि एक टर्न के लिए जो हम फ्लक्स निकालेंगे फाई सोलेनोइड के लिए, तो वो होगी बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो सोलेनोइड के ऑपोजिट दिशा में लग रही थी करंट के, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा सोलेनोइड का एक कॉइल का। तो बी की वैल्यू हमारे को पता है पीछे इक्वेशन में क्या आई है, बी बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा पैदा उसकी वैल्यू है फ्री स्पेस नंबर ऑफ टर्न एंड करंट। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो इस तरह से आ जाएगी, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिंगल सोलेनोइड, सिंगल सोलेनोइड मतलब कि जो एक कॉइल का टर्न है। तो जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे पूरे पूरे कॉइल के लिए, तो कुछ इस तरह से निकलेगा, टोटल फ्लक्स तो इस तरह से निकलेगा फाई, टोटल फ्लक्स है इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। ये जो है एक एक कॉइल के लिए था, तो जब हमने पूरे सोलेनोइड के लिए निकालना है तो वहाँ पे आएगा एन एल, एन एल ये जो है होल टर्न ऑफ सोलेनोइड लेंथ। टर्न ऑफ सोलेनोइड लेंथ, सोलेनोइड लेंथ। तो इस तरह हमारे पास जो है फाई की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है सोलेनोइड की। तो हम जानते हैं कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये फाई इज इक्वल टू एल आई, तो हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, और जो हम फिर इस तरह से टाइम निकाल पाएंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो फाई की वैल्यू जो थी म्यू नॉट एन आई ए एन एल इज इक्वल टू इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पे आई से आई कट गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्केयर हो गया,
तो ये कुछ इस तरह से आ गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। तो इस तरह से हमने जो है सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया है फ्लक्स के लिए। फ्लक्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। तो यानी कि जो भी सोलेनोइड में करंट जाएगा वो जितना भी इस पे ऑपोजिट फोर्स लग रहा है वो जो है इक्वल होगा करंट के, लेकिन वो पूरा पूरा इक्वल नहीं होगा। उसमें जो है सेल्फ इंडक्टेंस एल लगेगा जो हमने अभी इक्वेशन से निकाला है, और करंट के इक्वल होगा ये। तो इस वजह से जो है हम ये जो इस पे करंट 2 एम्पियर का अप्लाई होगा वो हम जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे फ्लक्स भी उतना ज़्यादा लगेगा, और इस वजह से जो है वो पूरा जो है करंट नहीं पहुंच पाएगा। वो कुछ 99.39% ही पहुंच पाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उतना ही उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑपोजिट दिशा में फोर्स करेगा। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।